तो अब हम सर्विस करने वाले हैं बाइक की। तो आपको बाइक को सर्विस करने के लिए बेसिकली तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सॉरी तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है इंजन ऑयल, जो आपने देख लिया है 300V मॉडल अगर दिख रहा है आपको तो, ठीक है। इसकी MRP है 1350 रुपये और मुझे ये 50 रुपये का डिस्काउंट में मिला है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने लोकली परचेज़ किया था, अमेज़ॉन से लेंगे तो सस्ता मिलेगा, ठीक है। सेकेंडली, इंजन ऑयल चेंज करने से पहले आपको अपनी बाइक को 101% 200% 500% फ्लश करना है। उसके लिए आपको एक इंजन ऑयल फ्लश की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आपको ये फ्लश हर हाल में डालना है, चाहे आप कहीं पे भी सर्विस कराओ, शोरूम पे कराओ, घर पे करो, कहीं पे भी करो, पर आपको ये फ्लश करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि जो भी इतने सालों से पुराना इंजन ऑयल होता है आपकी बाइक में, वो पूरा नहीं निकलता है कभी भी, ठीक है। तो आपको जब आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो पुराना जितना भी डैमेज होगा इंजन का, पिस्टन रिंग्स वॉल्स के साथ रगड़ते हैं जो भी है, तो वो सारा का सारा इसकी थ्रू निकल जाएगा बाहर। और जब आप नया इंजन ऑयल डालेंगे तो बिल्कुल फ्रेश इंजन ऑयल रहेगा, वो कभी ब्लैक नहीं होगा दोबारा से। तो ये 100% मस्ट है। इंजन ऑयल अगर चेंज करो विदाउट इसके तो कोई फ़ायदा ही नहीं है मेरी नज़र में, ठीक है। बहुत सकते तो ये है इंजन ऑयल का बोल्ट। सबसे पहले इसे हम खोलेंगे, और बहुत टाइट था ये। मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम हो गया बाइक की सर्विस किए हुए, तो आज फ्लशिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलो, तो ये हमने डाल दिया इसमें। और शायद इंजन ऑयल नहीं डलता है। एक्चुअली KTM में दो बोल्ट होते हैं, एक इस तरफ है और एक तरफ है, ऑलमोस्ट सेम है, पर इंजन ऑयल जहाँ डालना है उस तरफ ये ग्लास का इंडिकेटर है, तो आपको ये जो इंडिकेटर है आपको इसी साइड डालना है, जस्ट इन केस आप बिल्कुल ही डमी है तो इस साइड डालना है, राइट साइड में है जो होल है, सेम उस साइड लेफ्ट साइड में भी है, उसमें मत डाल देना। अब इसे हमने 10 मिनट के लिए स्टार्ट करके छोड़ना है आइडल के लिए, ताकि फ्लश पूरे सिस्टम में चले जाए। और जैसे आपका टॉयलेट का फ्लश होता है ना, हाथ पिक लगा के छोड़ देते हो, वैसा ही थोड़ा सा बस इसमें इंजन स्टार्ट करके रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने अभी शील्ड निकाल दी, अब हम ऑयल चेंज करेंगे। टेप मैंने रख दी है स्किन चेक पुरानी सी ऑयल के लिए, और न्यूज़पेपर रख दिया क्योंकि मम्मी बहुत डांटेगी अगर ऑयल गिर गया तो, ठीक है। तो ये वाला बोल्ट है, ये अब हम खोलेंगे। और मुझे एक दिक्कत इसमें और दिखी कि जो मेरा लीवर है ये एक्चुअली इसके बिल्कुल रास्ते में है, तो अभी इसे खोलने का, और ये गर्म हो रहा है एक्चुअली थोड़ा सा, ये भी टेंशन है। हाँ जी, हाँ जी, बना दो। और घर पे सर्विस करने का एक और बहुत बड़ा फायदा है कि मम्मी चाय पिलाती है तुम्हें काम करते हुए, ठीक है। घर पे सर्विस करें, पैसे बचाएं लेबर के, फ्री की चाय भी पिए। हाँ, और ये KTM में बस यामा वामा में मत चले जाना, यामा की सर्विस बहुत अच्छी होती है, ठीक है। जो ये मेरा बोल्ट है, इसका जो टूल है वो चुरा लिया किसी ने, तो हम बड़ी देर से ढूंढ रहे हैं उसको। 18 नंबर का है अपेरेंटली, और बाकी दुनिया में हर एक टूल है, हर एक टूल, बस वो 18 नंबर का ना चाबी है ना वो है, तो आई एम फ्रस्ट्रेटेड। तो अगर आप इस फ्रस्ट्रेशन से बचना चाहते हैं तो प्लीज़ 18 नंबर का टूल लेके बैठें जब सर्विस करने लगे, ठीक है।
चलो हम जा रहे हैं खरीदने नया। ऐसा है कि 4 साल से सर्विस हुई नहीं थी, इसीलिए बोलते हैं हर 3 महीने में सर्विस कराओ। 4 साल से मैंने सर्विस की नहीं है, वो नट हो गया जाम। अब प्रोफेशनल अब दिलीप भैया आ गए। दिलीप भैया साइंटिफिकल ब्रेक थ्रू। हम ऑयल निकल जाए निकल गया। हेलो मेरे भाई, वो मत गिराइयो बस ऑयल। हाँ ठीक, तो मम्मी तेरे साफ कराएगी। फिल्टर क्या है इसका? ये ऑयल फिल्टर, यहाँ पे ऑयल फिल्टर होता है। अब ऐसे निकाल सकते हैं साइड से, बहुत ही प्यार से निकलता है ये। ठीक है, मेरा बिल्कुल भी जोर नहीं लगा, ना मेरा दिमाग खराब हुआ इसे निकालते हुए। तो ये इसका ऑयल फिल्टर है, निकल माउस जो कि बहुत गंदा हो चुका है। देख रहे कितना साफ है, बिल्कुल गंगा किनारे, बिल्कुल यमुना की तरह साफ है। और ये हो गया, अब इसमें से जो थोड़ा बहुत ऑयल है निकल नहीं रहा है एक्चुअली ना, तो मैं दोबारा से टेढ़ा करूंगा। कपड़े से भी साफ कर सकते हैं, कपड़े ढूंढ के लाता हूँ। कपड़ा है भाई, और ये हमारे दो कुत्तू हैं, इसका नाम जैकी है, इसका नाम स्वीटी है। वो डरती है, कार्ड भी लेती है वो। अब हम लगाएंगे इसमें नया ऑयल फिल्टर। ये हो चुका है बिल्कुल चकाचक साफ अंदर से, देख लीजिए। ये है जो ये है बजाज NS200 का ऑयल फिल्टर, बिल्कुल सेम है, पर मैं KTM की जगह बजाज कैसे डालूँ, क्योंकि KTM वालों पे स्पेयर पार्ट्स नहीं है, इसलिए अब और कोई ऑप्शन नहीं था तो बीएड लेगा। और ये निकला कैसे था मेरे को याद नहीं, ऐसे ही निकला। ये वाली साइड बाहर रहेगी, इससे आपने बस अंदर वो सॉरी इसमें ना इंजन ऑयल भी डालना है, पहले इंजन ऑयल निकालते हैं थोड़ा सा। तो इसमें आप ये थोड़ा सा कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आप इंजन ऑयल ऐसे डाल लीजिए, इसे आप फिर रोटेट कर लीजिए इसे, ताकि पूरा फिल्टर में ऑयल हो जाए अंदर। ज़्यादा टाइट नहीं करना इनको। तो अब बचा है सिर्फ इंजन ऑयल डालना, ठीक है। तो हमारी बाइक की आधी सर्विस ठीक हो जाएगी, और उसके बाद एयर फिल्टर साफ करेंगे। पर मुझे लग नहीं रहा कि मैं करूँगा, क्योंकि मैं थक गया हूँ, मेरे बस की नहीं है। इंजन ऑयल खोलना है दोबारा से, बिल्कुल इसी साइड बैठे हुए। पहले नट तो बंद कर लो वहाँ से। क्या बंद कर? वहाँ से नट बंद नहीं करना। सॉरी, नीचे नट बंद करना है। ओह, आई एम सो सॉरी। हो जाता है। एमेचर मिस्टेक्स, इट इज़ फॉर डमीज। तो आप ऐसी गलती ना करें, ऑयल डालने से पहले नीचे नट बंद जरूर बंद कर लें। ये देखिए, इसमें गंद कचरा निकल रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये जो है ये कचरा है आपके ऑयल में। ये देखिए, बहुत ज़्यादा गंदा था ये। यार कपड़ा ले आइए वहाँ से ज़रा। दिस इज डिस्गस्टिंग। ये इससे साफ हो नहीं रहा है, तो अब मैं अंदर से जाके कुछ स्प्रे लेके आने वाला हूँ, शायद जाएगा। तो पर बहुत ही गंदा था ये सारा कचरा वगैरह। लिक्विड मॉली ने बहुत अच्छा काम किया है, जबकि लिक्विड मॉली वालों ने मुझे पैसे दिए नहीं है इस काम के, फिर भी मैं बता दूं कि केवल कोई स्पॉन्सर, मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है। देख रहे होंगे मेरी हालत देख के, पाइप लगा के मैं साफ कर रहा हूँ, तो
नो स्पॉन्सर्स, ठीक है, अपनी मेहनत की कमाई बचाते हुए कोरोना काल में आप सर्विस खुद करें। मेरे पास अगर आप सोच रहे हैं कोई स्पॉन्सर है, ये जो सामान मुझे मिला है वो मॉड्यूल और ये सब, ये मुझे किसी ने नहीं दिया है, लोगों से पैसे उधार उधार ले ले के लिए मैंने, ठीक है। तो ये हो गया ऑलमोस्ट हाफ जितना हो सकता था मुझसे। वैसे ऑनेस्टली ये सब नया डालना चाहिए, अगर आप डाल सको तो बहुत अच्छी बात है, पर मैंने नहीं डाला क्योंकि आई एम नॉट रिच, पैसा नहीं है, और आप गूगल पेटीएम वगैरह सब कर सकते हैं मुझे, ठीक है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। डोनेट बाबा जी, वो ढाबे वाले बाबा जी की तरह मुझे भी फेमस कीजिए प्लीज़, थैंक यू। चलो जैकी, ओ जैकी, और ये हमारा जैकी है, ये हमारा जैकी है, मुझे नींद आ रही है, तो अभी आपको वापस अंदर डालना है, याद से भूल मत जाना, ठीक है, मैं भूल गया था इस तरफ को, और ये वाला पॉइंटेड जो है इसका छोटा पार्ट ये आपको बाहर को रखना है, ऐसे जाएगा अंदर, ये जा चुका है अंदर, ठीक है, अब इसमें हमें लगाना है बोल्ट, और बोल्ट मेरे को दिख नहीं रहा एक्चुअली, ठीक है, इसे भी हम साफ कर लेते हैं, कपड़ा बता निकाल उधर, इस बोल्ट को भी एक्चुअली अब चेंज करना पड़ेगा, तो मैं बीच में किसी दिन करवाऊँगा नेक्स्ट टाइम, और इससे ज़्यादा टाइट कर नहीं सकते हैं। ऑयल को मैं हटा दूँगा यहाँ से, इससे पहले कि गिर जाए, बाहर डाला मैं, ये हमारा पार्क फॉर्म है, माय राइट्स की चीज, तो टाइट हो गया जितना होना चाहिए था, अब इसमें डालेंगे इंजन ऑयल, दोबारा से इसी मोटर खोलना और इसमें इंजन ऑयल डाल देना है अच्छे से, इसमें डलेगा 1400 ml, और इसका एक्चुअली मुंह बहुत बड़ा है तो ध्यान से डालना पड़ेगा, जो ऑयल है 300 V है, और ये सबसे प्रीमियम है मेरे ख्याल से, और मैं इसे काफ़ी, जब से मैंने बाइक लिया तब से मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, और ये बाइक आराम से 10,000 किलोमीटर आराम से निकाल देता है, और मेरी बाइक तो इस बार मेरे ख्याल से 20,000 ही चली गई होगी, पर फिर भी ऑयल ठीक था, तो आप इसी को लीजिए, लिक्विड ऑयल वगैरह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मैं यही यूज़ कर रहा हूँ बहुत टाइम से, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ 121%, तो इसलिए इसी पर स्विच करेंगे तो बेटर है। मैं रेसिस वगैरह में भी इसको यूज़ कर चुका हूँ एक्सट्रीम कंडीशन में, ठंड में, गर्मी में, तो ये हर जगह ट्राइड एंड टेस्टेड है, इससे बेटर मुझे अभी तक तो कुछ लगा नहीं है, तो आप ये ले सकते हैं। एक KTM में बहुत बड़ी दिक्कत आती है, वो आती है ओवर हीटिंग की, बहुत ज़्यादा इशू आते हैं इसके, पर मेरी बाइक आज तक टेम्परेचर बार जो है हाफ से ऊपर नहीं गया कभी भी, उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं कूलेंट यूज़ करता हूँ मोटो कूल का, और 80-20 की रेशो में डालना है आपको अपनी बाइक में, मतलब पहले भी ये ओवर हीट होती थी, 390 भी है, 390 भी वेट नहीं होती मेरी, और रेसेस तक में नहीं होती है, और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक छोड़िए, तो वो सारा सीन ये है कि KTM वाले डालते हैं 200 रुपये वाला गंदा सा कूलेंट, वो इन इंजन्स के लिए बना ही नहीं है, ना वो चलता है, तो आप वो डलवाइए, मोटर का मोटो कूल आता है 1300 rupees का राउंड पड़ता है वो एक लीटर, उसे पूरा आप इसमें डाल दीजिए, और ऊपर जो थोड़ा लेवल बचता है उसमें पानी डालिए, तो वो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा भगवान को चढ़ा दो, या 400 बचा है, दोनों में से एक ही बचा है, पता नहीं, नहीं नहीं 400 बचा है, ऐसे तुम सोचो बंदा भी पूरी है, जो भी सच है DIY फॉर डमीज है, जस्ट बिकॉज अगर किसी को लग रहा हो कि मैं सही वेबू हूँ तो मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ एंड ऑल्सो इन डिज़ाइन एनालिस्ट बाई प्रोफेशनल एंड एजुकेशन, समझ गए, ऐसे मत समझना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और ये हमारे कैमरा मैन है जो भी कैमरा के पीछे है तो इसे हमने कर दिया टाइट बिल्कुल चक्कू, अब एक बार एयर फिल्टर चेक करके देख लेते हैं कैसा है, एयर फिल्टर होता है इसका सीट के नीचे, आपको ये दो बोल्ट खोलने हैं,
जो कि मेरे हाथों में नहीं जाना, मैं हाथ से खोल सकता हूँ। ठीक है, ये सीट आ गई बाहर। अब ये दो बोल्ट खोलने में, और ये निकला है इसका ये फिल्टर बिल्कुल नया, क्योंकि मैंने अभी 4 दिन पहले डलवाया था। ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, इट इज़ बहुत साफ, और ऐसे बाइक में मत माना। और इसके बाद हमें बाइक की शील्ड वापस लगानी है, गियर लीवर जोड़ना है, बाइक धोनी है, ज़्यादा काम नहीं है, पर आप अभी बाइक चला सकते हो फिलहाल। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल बाइक ही चलाऊँगा, मैं नहीं कर रहा हूँ आगे, और काम थक गया हूँ। सब हो गया है, ऑयल फिल्टर ऑयल चेंज हो गया है हमारा, ज़्यादा हम थके नहीं है इसमें, शाम नहीं हुई है बिल्कुल भी, सुबह से लगे हुए थे पर 5 मिनट लगे हैं, ज़्यादा नहीं लगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बाइक को। बाइक की सेट सर्विस हो गई है, और हम ले जाएंगे इसे घूमने।